अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको चित्राल से कैलाश वादी तक लेकर जाएंगे। तो ये है चित्राल का बाजार जहाँ से हम गुजरे। ये चित्राल बाजार का बाजार नहीं है, ये है थोड़ा बहुत ही कतुक्का वो दुकानें हैं, हम जाएंगे बाजार में। हाँ हो जाएगा, लेकिन बाहर निकाल लेंगे ना। जहाँ से चीजें खरीदते हैं इलाके की खास इलाके, वो यहाँ भी है और उधर भी है। वो वहाँ कैलाश में है, आपको कैलाशी चीजें मिलेंगी। जैसे नहीं उठकी हाँ जी आपसे पूछे जी, इलाके की चीजें होती हैं जैसे शॉल होती हैं, टोपियां होती हैं, जूते होते हैं, कहाँ से मिलेंगे? इसी बाजार से मिलेंगे। तो खास बाजार नहीं है ये, उसका टोपियों का बाजार है ना, खास वो ये बाजार में हर कुछ मिलता है। जैसे टूरिस्ट आते हैं तो वो चीजें, कौन सा टोपियों वाला बाजार है? चित्राल टोपी जो होता है वो शाही बाजार जो है। हाँ शाही बाजार, उसमें लेडीज सारे कुछ उसमें। कितने बजे तक खुला रहता है? वो जल्दी बंद होता है, तो जल्दी होते हैं, लेकिन कुछ दुकान ऐसे है कि वो खुले होते हैं, उसमें रख के वो बंद है। अपर चित्राल वाले जो होते हैं वो देर तक बंद करते हैं। अच्छा, वो देर रात देर तक होते हैं। ये जो तिरछी मीर है वो कौन सी है? तिरछी मीर अपर चित्राल में आते हैं, नजर आती है यहाँ से पीछे। हाँ जैसे नजर आती है अपर चित्राल चित्राल में कौन सा शहर बुनी वगैरह है? बुनी शहर है उसका। हाँ वो ककलश जाने के लिए कितना टाइम लगता है? बुनी में ही आता है। अच्छा बुनी में ही आता है। अब ये जगह आ गई है जहां से हमने नीचे उतरना है। ये सामने जो अभी आपको नजर आ जाएगी, ये सामने जो नीचे नजर आ रही है ये अयून वैली कहलाती है, वादी अयून। ये सामने देखिए क्या खूबसूरत वादी है, ये सरसब्ज शादाब और दिल को भाने वाली जगह है। यहां से बहुत खूबसूरत नजारा आ रहा है। सामने आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफी। रफी ये यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल। और ये गाड़ी जिसमें हम कैलाश वैली जा रहे हैं, ये सकलैन सलीम की गाड़ी है और ये उसका ड्राइवर है। पीछे हमारे दोस्त जो हैं वो इसी तरह की एक डबल कैब और हाईएस में आ रहे हैं। ये नया पुल बना है, पहले सीधे हाथ पे जो है वो पुराना पुल नजर आ रहा था। अब हम अयून
बाजार से गुजर रहे हैं। जरा तंग है, नहीं जाना कहता, नहीं जाना। ये ट्विटर है वो तो साथ ही बाजार में है। वो तो पैदल जा सकते हैं, लेकिन यह कि वापसी पर चढ़ाई जो उधर ऊपर चढ़नी है ना, वहाँ वो अपनी कोच में चले जाएंगे साथ। कोस्टल अभी हद तक हम ये अयून के बाजार से गुजर रहे हैं। मस्जिद किला और वो भी है, म्यूजियम भी है, म्यूजियम इधर भी है बाबू रे। तो कह रहा था वहां पर एफसी मेस में खाना का कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं यार लोकल ही खाएंगे। कहता ये बेहतर है सर लोकल का, ये करके उन लोग वो बेचारे गरीब लोग हैं उनका भी गुजारा हो जाएगा। कुछ ये बड़ी तंग सी रोड है, अगर सामने से गाड़ी आ जाती है तो बंदा कई बार रुक जाता है। सफर बहुत अवीक है, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं चतराल से। और हालांकि ये लोकल ड्राइवर है, वो कह रहे हैं 2 घंटे में हम पहुंच जाते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ये तो मैं पहुंच रहे होंगे। अच्छा वो पाइपलाइन ही है, वो सामने पाइपलाइन बिछ रही है, मुझे नहीं रोड सी बनी है, उधर से नाला बना, नाला बना।
रास्ते से घबराना बिल्कुल नहीं है। वो इतना खतरनाक नहीं लगा मुझे, लेकिन बेगम साहबा को बच्चों को लगा है थोड़ा सा, लेकिन मुझे बिल्कुल खतरनाक। देखिए है तंग लेकिन खतरनाक नहीं है अगर एहतियात से चला जाए तो, बल्कि मैंने तो देखी है वो छोटी छोटी गाड़ियां भी जा रही है। देखो यहाँ लोग रहते होंगे या नहीं रहते यार। दो चार घर बने हुए हैं थोड़े थोड़े फासले पर, वहां लोग रह रहे हैं। और ज्यादा रास्ता बड़ा खुश्क है, गर्द उठती है बहुत ज्यादा, ये वाला जैसे गुजर रहे हैं। नहीं नहीं ये इतना खतरनाक नहीं है। यहाँ से एक पुल आ गया है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं जी। आगे से अब इधर से दो रास्ते हैं ना, एक बम्बूरीत की तरफ जाता है। हाँ जी रंबूर इधर है और बम्बूरेत इधर। बम्बूरेत 12 किलोमीटर है, रंबूर जो है वो 8 किलोमीटर। अच्छा 12 किलोमीटर और जाना है। हाँ आजकल इलेक्शन हो रही है, पीटीआई का झंडा, और ये देखें कितने बड़े बड़े लॉक्स लकड़ी के गड्ढे, नीचे देखें कितनी सरसब्ज वादी सी है। इक्का दुक्का कोई बंदा नजर चलता हुआ नजर आ रहा है। आप पहला गाँव आ गए। अनिश गाँव, अनिश अनिश गाँव, अनिश गाँव आ गया। ये है इनके इस तरह के और छोटे-छोटे दो तीन गांव आएंगे उसके बाद बम्बूरीत। ये वैसे पूरी पहली बम्बूरीत के लिए ये खातून जो है वो वाली कैलाश वो नजर आई है। क्या फसल क्या होती है? गंदम जाओ, मैं क्या कहते हैं
मकई इधर ले पहुँचाओ, और फ्रूट क्या? फ्रूट हर कुछ होते हैं, अखरोट बहुत ज्यादा होता है इसका। अच्छा, अखरोट बहुत ज्यादा होता है चित्राल में या इस इलाके? इस इलाके में बहुत होते हैं, चित्राल में सर उन्हें गिरा दिया है। चित्राल में मिलेंगे अखरोट अगर हम खरीदना चाहें? नीचे बाजार से मिलेंगे, इधर महंगे। बाजार किधर है इनका? नहीं, हमारा जो वो चित्राल के बाजार की बात कर रहे हैं, ये अब सीजन में आ जाते हैं ना, फिर सस्ता मिल जाते हैं। अच्छा, अभी महंगा होगा। अभी सीजन नहीं है? अभी नहीं। कहाँ जाने? इधर जाने? अच्छा, ये है मोबाइल कैमरे या फिर कैमरा इस्तेमाल करने के लिए 150 रुपया देना पड़ेगा। हमें तो खैर हमें इतनी हो टिकट दिया है, अगर से हमारे हाथ से के पास था मोबाइल कैमरा भी था। ये इनका म्यूजियम है, ऊपर स्कूप है, नीचे म्यूजियम। तो ये थी हमारे आज सफर की दास्तान। बाकी कैलाश का आपको पढ़ दिखाया जाएगा, अगली किस्त का इंतजार कीजिए। लेकिन यार ये जगह अच्छी है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।